डिफरेंट स्टोरी नहीं होगी, जो भी होगी सच्ची घटना पे होगी। फिल्म के बैकग्राउंड में दिखाया गया हीरोइन का नाम अभी तक शो नहीं किया है, कहीं ना कहीं मनोज भैया और सूरज सम्राट जी का चेहरा दिखाया गया है, तो आखिरकार मनोज द्विवेदी भैया को साथ में और सम्राट जी को साथ में कंबाइन करने का स्टोरी क्या है, कैसे आपने इनको किया? दोनों अपने अपने जगह पे अहम किरदार में हैं। और बात रही नंदनी को छिपाने की, तो नंदनी एक मतलब वो ऐसा चीज है, वो क्या है, सस्पेंस है कि उसको अभी छुपाना ही उचित समझा मैंने, इसलिए अभी छुपा के रखा हूँ। ये कहना है कि राज नंदनी का राज मुझे लगता है कि दो हीरो जो उसका एक का नाम राज दूसरे का नंदनी रखा गया है, ये भी हो सकता है। तो वो तो नंदनी जाहिर सी बात है कि लड़की का ही नाम है, लेकिन वो राज है छुपा हुआ सस्पेंस में रहे। फिल्म में कहा जाता है कि फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री जो लॉकडाउन इस टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बेकार सा समय एक तरीके से लॉकडाउन जो हो गया है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री आगे कैसे आएगी, लॉकडाउन के बाद क्या प्लानिंग है, मतलब शूटिंग का क्या प्लानिंग है? लॉकडाउन के बाद सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, हिंदी इंडस्ट्री भी आहत हुई है उस पर भी आघात हुआ है, बट थोड़ा समय लगेगा, सब मेंटेन हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो कब से स्टार्ट करने वाले, कौन कौन से लोकेशन? अभी तो फिलहाल मैं हत्यारा का शूट करने जा रहा हूँ कुशीनगर में, और हत्यारा के जस्ट बाद इसका स्टार्टिंग किया जाएगा। मनोज भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेसारी भैया के साथ भी काम कर चुके हैं, ये सिंगल में मतलब इस राजनंदिनी में बाकी कैरेक्टर से आपका कितना डिफरेंट होने वाला है इस राजनंदिनी? राजनंदिनी का अभी तो सारे राज पाठक जी जानते हैं, इनके साथ हम लोग हत्यारा कर रहे हैं, सेम यूनिट सेम टीम, और इन्होंने बोला कि भैया हत्यारा के बाद राजनंदिनी करना है, और आप और सूरज जी हैं, सूरज सम्राट जी हमारे छोटे भाई हैं, और मैंने बोला ठीक है करिए, और हम लोगों ने पूरा कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और कोरोना के साथ जीना पड़ेगा सबको, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कोरोना के साथ जी जाइए, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बचाते हुए और अपने इंडस्ट्री को थोड़ा सा चालू किया जाए। इतना मायने रखिए कि हत्यारा का मैक्सिमम ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा, लगभग हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। पाठक जी सेम टीम को रिपीट कर रहे हैं, और हत्यारा तो शुरू हो गई थी लेकिन 15 जुलाई से परमिशन हमारे होम जिले कुशीनगर में मिला हुआ है, और हम लोग उसके बाद राजनंदिनी पाठक जी के हिसाब से करेंगे। सूरज जी आज मुहूर्त फिल्म के आपको क्या कुछ कहेंगे? थैंक्स अ लॉट आप लोग को इस महामारी में भी इतना प्यार से समय निकालने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कि आप लोग से भी मिलकर अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद एक जुनून आया है, 3-4-5 महीने के बाद वो चीज़ें आई है कि हम लोग कैमरे के सामने आए, अभी 5 महीने बाद हम लोग को लग रहा है कि हमारा लाइफ वापस आ गया है। बहुत जोश जुनून में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और निस्संदेह आप लोग का प्यार, जनता का प्यार रहा तो राजनंदिनी एक हिस्टोलॉजिकल पिक्चर होगी। आप कहाँ के रहने वाले, कितनी फिल्में आप अभी तक कर चुके हैं? देखिए मैं भगवा जिला से रहने वाला हूँ बिहार के, और बेसिक मैं मुंबई को और भगवा दोनों को टाइम देता हूँ एट ए टाइम। मेरी 2019 में दिसंबर में मेरी अर्धांगिनी रिलीज हुई थी, जो कि जनवरी में यूपी और मुंबई वगैरह में भी चला। उसके बाद के लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग प्लान किए, देन हत्यारा मैंने साइन किया, सर ने बोला कि हम लोग मिलके कुछ प्लान बनाते हैं। हत्यारा का टाइटल मुझे पसंद आया, हत्यारा का मोन व्यू पसंद आया कि हत्यारा चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, मैंने एक्सेप्ट किया, सर ने बोला प्लानिंग करते हैं, जैसे प्लान हुआ वैसे लॉकडाउन हुआ। रही बात फिल्मों की, तो इससे पहले अर्धांगिनी से पहले केहू दीवाना बनी घर में, उसमें हम थे प्रमोद प्रेमी जी थे, उससे पहले सीरियल्स वगैरह छोटे छोटे वन डे टू डे स्ट्रगल कर के आज। और क्या इस फिल्म को लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? राजनंदिनी